देश के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी सभागार में श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। इसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सकता। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। हाँ, मैं आज इस पावन अवसर पर सरदार पटेल जी के जन्मतिथि पर सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये हम लोग उनके जीवन के बहुत कुछ स्मरण करते हुए सीखने का हमें अवसर है और उनके जीवन कथा से बहुत प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और हमारे दिनचर्या में उसको शामिल करते हुए जिस भी क्षेत्र में हम जुड़े हैं, चाहे उद्यमी हों, शिक्षक हों या युवक हों या हम प्रशासनिक तंत्र से जुड़े हों, सभी अपने अपने उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धापूर्वक दिनचर्या को चलाएंगे तो हमारे जनपद विकास की ओर और अग्रसर होगा। यही संकल्प लेते हुए आज सबको शुभकामनाएं देते हैं।